यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में इन दिनों लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। यहां एक सप्ताह के भीतर करीबन 40 लोगों को पागल कुत्तों ने अपना शिकार बनाने की जानकारी सामने आ रही है। ग्रामीण अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार सुबह से दोपहर तक लगभग 16 लोगों को एक कुत्ते ने काट लिया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। गुरुवार का दिन शहरवासियों के लिए कुत्ते के हमले के नाम रहा। मोती नगर में बकरियों के साथ ही 6 लोगों पर भी एक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। वहीं शहर की अन्य जगहों पर भी करीब 10 लोगों को गुरुवार के ही दिन एक पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। सरकारी अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि 16 में से 14 लोगों पर स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया। वहीं अन्य 2 लोगों को गहरे घाव आने से उन्हें यवतमाल के सरकारी अस्पताल भेजा गया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक 8 साल उम्र के लड़के का समावेश है। गुरुवार को मोती नगर में करीब 6 लोग कुत्ते के हमले में जख्मी हुए है। आवारा कुत्तों का शिकार हुए लोगों में से कुछ लोगों ने अपनी आपबीती इन बीसीएन को सुनाई है। कावरा कुत्ता इधर से आया भागते, हम यहाँ खड़े हुए थे, 4 जनों को पकड़ा, पहले 2 बकरिया को, फिर मैं को, फिर मेरे अम्मी को, फिर जरा आगे जाके एक औरत को और पकड़ा, छू छू कर रहे तो काटने को कर रहा। नगर परिषद में कम्प्लेन करे पर वो आ रहे नहीं, ले जा रही की माइक न कुतरा मांगून धरल चालू पोलिस ठाने पसंद है कामाला चालली होती तिथून शान धरलं माहीतच नाही, मग माणसानं धरलं तर काहून चाललं म्हणलं मला पाळलं पडलं। इस मामले में जब हमने नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश कलोसे से बात की, तब उन्होंने बताया कि बीते सप्ताह भर में जिन कुत्तों को लेकर लोगों में भय व्याप्त था, उनको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है, जबकि बुधवार को 2 और गुरुवार को 1 यानी कुल 3 हमलावर कुत्तों को मार दिया गया है। शहर में एक तरफ लोग आवारा और पागल कुत्तों के आतंक से अब भी खौफ में है, वहीं पालिका प्रशासन ने दावा किया है कि राह चलते लोगों पर हमला करने वाले कुत्तों का बंदोबस्त कर दिया गया है। बहरहाल कुल कर बात यह है कि पागल कुत्तों के आतंक को लेकर अब भी लोगों में भय व्याप्त है। वैसे भी एक अरसे से इनबीसीएन न्यूज ने समय समय पर पालिका प्रशासन को आवारा कुत्तों के आतंक से अवगत कराया था, लेकिन समय रहते पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन अब हर दिन सारे जरूरी काम छोड़कर पालिका के स्वास्थ्य विभाग पर चिलचिलाती धूप में आवारा कुत्तों के पीछे दौड़ने की नौबत आ गई है। लगता है शहर से जुड़ी हर समस्या पर मौन धारण करने वाले शहरवासियों को और हर समस्या को समय रहते निपटाने में कोताही बरतने वाले पालिका प्रशासन को आखिरकार आवारा कुत्तों ने एक्शन मोड पर ला खड़ा कर दिया है। इनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।